GSLV Mark III तीसरी पीढ़ी का GSLV है और वह अपने प्रीडेसेसर्स की कई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है, लेकिन वह अपने चरणों, संरचना, आकार के मामले में बहुत अलग है। मार्क दो की तुलना में पेलोड ले जाने की उसकी क्षमता दो गुना है। लगभग 43.5 मीटर लंबा और 641 टन लिफ्ट ऑफ मास वाला इसरो का GSLV Mark III D2 रॉकेट SDSC शार के दूसरे लॉन्च पैड से एक बार फिर उड़ने के लिए तैयार है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज द हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। GSLV Mark III is capable of lifting up to 4 ton mass to geosynchronous transfer orbit or a 10 ton payload to low earth orbit. This vehicle is powered by two S200 solid motors, one L110 liquid core stage and a powerful liquid cryogenic stage C25. This mission is second developmental flight of GSLV Mark III. And this is important mission for GSLV Mark III program, as after this success of this mission, GSLV Mark III will be declared as operational and will join the group of operational vehicles PSLV and GSLV. The payload for GSLV Mark III D2 is a very advanced high throughput satellite GSAT-29, which is a multi-band, multi-beam communication satellite with a lift-off mass of 3.4 ton. GSAT-29 payloads are configured to cater to the communication requirements of users from Jammu and Kashmir and northeastern regions of India. Apart from these operational requirements, the satellite would be demonstrating several new and critical technologies also. इस विशाल यान के पहले चरण में दो S200 बूस्टर हैं, जो 26.2 मीटर लंबे और व्यास में 3.2 मीटर है। इनमें 205 टन ठोस ईंधन ले जाने की क्षमता है। S200 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉलिड रॉकेट मोटर है। L110 कोर चरण में 116 टन धरती में संचित किया जा सकने वाला तरल ईंधन होता है। यह लगभग 21.4 मीटर लंबा और व्यास में 4 मीटर है। उसमें दो ताकतवर विकास इंजन होते हैं। 13.5 मीटर लंबा स्वदेशी C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज यान का तीसरा चरण है। यह 28.6 टन अत्यधिक ठंडी तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो दूसरे तरल ईंधन की तुलना में अधिक ताकत प्रदान करते हैं। तीसरे चरण के शीर्ष पर 5 मीटर व्यास वाला पेलोड फेयरिंग है, जिसमें अंतरिक्ष यान को रखा गया है। GSLV Mark III की पहली सफल प्रयोगात्मक उड़ान 2014 में हुई, जब उसमें एक क्रू मॉड्यूल पेलोड के रूप में था। इसके दोनों ही ठोस और तरल चरणों ने अच्छा प्रदर्शन किया और यान वातावरणीय उड़ान में सफल साबित हुआ। GSLV Mark III की पहली विकास उड़ान ने 5 जून 2017 को 3136 किलोग्राम वजनी भारत के हाई थ्रूपुट संचार उपग्रह GSAT-19 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस GSLV Mark III D2 मिशन में रॉकेट 3423 किलोग्राम वजनी GSAT-29 संचार उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रस्थापित करेगा। GSAT-29 को इनसैट और GSAT सीरीज के आने वाले उन्नत संचार उपग्रहों की ओर बढ़ने वाले पहले कुछ कदमों में से एक के तौर पर देखा जा सकता है। इसके KU एवं का बैंड संचार पेलोड पूरे देश में, जिसमें उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी है, उन्हें हाई थ्रूपुट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह उपग्रह नवीन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में भी काम करेगा। यह एक 3-एक्सिस स्टेबलाइज्ड जियो स्टेशनरी उपग्रह है, जिसको इसरो की एनहांस्ड
I3 के बस पर संयोजित किया गया है। उपग्रह में मल्टी बैंड मल्टी बीम पेलोड है जो कई नई प्रौद्योगिकियों को प्रमाणित करने के लिए है। उपग्रह के KU बैंड पेलोड में पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए ट्रांसपॉन्डर्स हैं। उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों के लिए दो ओवरलैपिंग स्पॉट बीम्स छोटे टर्मिनल वाले उपयोगकर्ताओं के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। का बैंड पेलोड में स्थिर और घुमाए जा सकने वाले बीम है जो उत्तर पूर्वी और जम्मू कश्मीर क्षेत्र सहित देशव्यापी सेवा के लिए है। GSLV Mark 3 D2 यान अपने S-200 बूस्टरों के एक साथ प्रज्वलन होने पर उड़ान आरंभ करेगा। तरल कोर चरण का प्रज्वलन उड़ान के 114वें सेकंड पर होगा। दोनों बूस्टर बर्नआउट होने पर और लिफ्ट ऑफ के 140 सेकंड के बाद यान से अलग हो जाएंगे। 225 सेकंड पर पेलोड फेयरिंग अलग हो जाएगी। 317 सेकंड पर तरल कोर चरण बर्नआउट होकर यान से अलग हो जाएगा। उसके 2 सेकंड बाद C-25 चरण प्रज्वलित हो जाएगा और लगभग 10 मिनट तक कार्य करेगा। इसके बाद यह 965 सेकंड पर बंद हो जाएगा। GSAT-29 को GTO में प्रस्थापित कर दिया जाएगा जिसकी पेरिजी 190 किलोमीटर और एपोजी लगभग 36,000 किलोमीटर होगी। GSAT-29 के GSLV Mark 3 D2 से अलग होते ही हासन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी उसका नियंत्रण अपने पास ले लेगी। इसके पश्चात उपग्रह के कक्षा को एक चरणबद्ध प्रणाली से उसकी लिक्विड एपोजी मोटर का प्रयोग करते हुए जियो स्टेशनरी कक्षा में प्रस्थापित किया जाएगा। एक बार जब उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा उसके बाद उसके सौर पैनल और टेली संचार एंटेना को कार्यान्वित किया जाएगा। इस उड़ान की सफलता के साथ GSLV Mark 3 यान कार्यक्रम का विकास चरण पूरा घोषित होगा और ऑपरेशनल चरण शुरू होगा। इस प्रकार GSLV Mark 3 D2 अंतरिक्ष गतिविधियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।